शाहजहानपुर में इस समय मिलावटी नमकीन में खराब नमकीन को तलकर अच्छी नमकीन बनाने का धंधा जोरों शोरों से फल फूल रहा है। आपको बता दें कि मिलावटी खोर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। शहद से खिलवाड़ करने वाले इस धंधे से विभाग अफसर अनजान बने बैठे हैं और मिलावटी खोर चांदी कूट रहे हैं। खराब नमकीन को भी नहीं बनाकर बाजार में खुलेआम बेचा जा रहा है। घटिया सामग्री प्रयोग करी जाती है, कुछ शिकायतें ऐसी मिल रही थी कि यहाँ पे जो है नमकीन को दोबारा तला जाता है, इससे क्या क्या कुछ स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या हानिकारक जो है हो सकता है? देखिए, नमकीन हो या कोई भी तलने वाली चीज, मेडिकली जिस तेल में या जिस घी में आप एक बार कोई चीज तल लेते हैं, माने तलने का मतलब होता है उस तेल का या उस एडविल ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई जाता है, उसके बाद उस तेल को दोबारा इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो जो हमारे शरीर का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके बढ़ने की संभावनाएं बहुत होती है। इसलिए तेल का उतने ही इस्तेमाल करना चाहिए जितने में आपको काम बन जाए और उसके बाद तेल को फेंक देना चाहिए। अब ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो थोड़े से अनऑथराइज तरीके से नमकीन बनाते हैं या समोसे बनाते हैं, ये फिर एक बार कढ़ाई में पड़ा हुआ तेल मालूम पड़ा वो एक उसी में दोबारा डाल दिया, फिर दोबारा डाल दिया, फिर दोबारा डाल दिया और फिर चलता रहता है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। किसी भी तेल को अगर बार बार इस्तेमाल करेंगे और बार बार हाई हीट पे रखेंगे तो ये कैंसरस प्रॉपर्टी भी क्रिएट करता है, माने इसके सेवन से आमतौर से आंखों का कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। एक बात, डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर में नमकीन जो है एक्सपायरी डेट में वो तली जा रही है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, ऐसी कोई जानकारी अभी मेरे संज्ञान में नहीं आई है और अगर ऐसा किया जा रहा है तो जो संबंधित क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं उनकी टीम को भेजकर उनसे हम निरीक्षण कराएंगे और अगर कोई गैर कानूनी कार्य हो रहा है तो उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कोई सूचना अभी तक हमारी जानकारी में तो नहीं।